कभी उनकी पॉकेट से प्रसाद खत्म नहीं हुआ, चाहे वो दो दिन बाहर रहें चाहे सात दिन बाहर रहें। बोला हे माँ, मैंने दो बेटा दे दिए, एक बेटो तेरो एक बेटो मेरो। 15 साल के जब हो गए थे जब ये सोमगढ़ दादा का चेले बन गए थे। बुद्धगिरी जी महाराज जी हाँ बन का ये भाणी। जो बच्चे नौकरी के लिए या अपनी अरदास लेकर कोई आते हैं वो अरदास पूरी होती है। ठाट करांगे गांव में इतो संपत्ति शायद ही थाना कटे देखने मिले को। युवा पीढ़ी और शिक्षित पीढ़ी अंधविश्वास इन चीजों को मानती है। राम राम जी। मैं खुशबू जल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ गांगियासर के पास में ही जो भामो का बास है, और मैं आई हूँ जो चंदवा गांव के पास में ही टच में पड़े है श्री श्री 1008 बाबा श्री बुद्ध गिरी जी महाराज जी को मंदिर है भामो का बास में जो अभी बनायो गयो है। तो बहुत सारा लोग ही बास इकट्ठा हुए ही स्वामी प्रसाद है वो भी करो गयो है। तो अठैगी जो के कुछ कहानी है बापा जानांगा, साथ साथ में ही बताना चाहूँ कि भाई गांगियासर माता जी को मंदिर को आपा जो वीडियो है वो भी बनायो हो। बहुत सारा लोग ही बस इधर इकट्ठा हो रहे हैं, मंदिर में जाऊँगा बड़े की फोटो है वो भी आपा दिखाऊँगा। और जो गांव का जो मौजूद आदमी बड़ा बुजुर्ग ही बाकी द्वारा अड़े की जो कहानी है बापा जानांगा। हाँ जी अंकल जी राम राम। राम राम जी। आज जो प्रोग्राम करायो गयो है अभी के बारे में बताओ थोड़ो। सबसे पहले तो झलको झुंझुनू का स्वागत है कि जो आप हमारे छोटे से गाँव में पधारे। धन्यवाद अंकल जी, 20 दिनों फोन कर रहे हैं इसीलिए। खुशबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। और ये जो जिस मंदिर पे आप आए हो श्री श्री 1008 बाबा बुद्धगिरि जी महाराज, उनकी ये जन्मस्थली है। वो बचपन में ही राय माता मंदिर में चले गए थे, फिर वहीं पर उनका जो कुछ हुआ वो गया, और उन्होंने बहुत ही मतलब आसपास के एरिया में आज भी उनको पूजा जाता है। और सबसे बड़ा ये है कि वो अन्नपूर्णा के बहुत बड़े थे, कभी उनकी पॉकेट से प्रसाद खत्म नहीं हुआ चाहे वो दो दिन बाहर रहें चाहे सात दिन बाहर रहें। जिसने जो प्रसाद मांगा उनकी पॉकेट से वही निकला। यही बातें करते हुए जब 1993 में वो समाधि ले चुके थे, बचपन से लास्ट तक राय माता की ही सेवा की। यह जन्मस्थली जरूर है लेकिन बचपन में मेरे से ज़्यादा ये बचपन के बारे में बता पाएंगे। मतलब भामो का बास बन के जन्मस्थली है। यस साहब, ये जन्मस्थली है। और समाधि कड़े ली, समाधि राय माता मंदिर में, मंदिर के सामने जो फोटो जो फोटो बड़ी लगी हुई है वो आपको पता है। उसके बाद में जब धीरे धीरे उनके आदेश होता गया कि मैं मेरे जन्मस्थली में मुझे कैसे न कैसे लाओ। अच्छा। अभी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या करें, लेकिन अपने आप ही बाबा ने किसी को आगे किया। और आज ये 8 साल हो गई, 8 साल से पहले इस मंदिर की छोटी सी हमने नींव रखी थी, उसके बाद पूरे गांव और आसपास के लोगों का इतना ऐसा साहस हुआ कि मतलब आज ये आपके सामने है। केवल 60 घर भामू के पास में हैं, लेकिन आसपास के भक्तों की गांव का इतना सपोर्ट मिला कि आज 8 साल के अंदर ये मतलब अमर हो गए यहाँ। बुद्धगिरी जी महाराज जी ना बनी की हिस्ट्री जानना चाहूँ। बाकी साहब ऐसा है कि मेरी ताई जी थी, बाकी कोई आस औलाद को नहीं। मेरी माँ मेरी ताई दोनों गांगिया से राय माता में गई और जाके बोला हे माँ, मैंने दो बेटा दे दिए, एक बेटो तेरो एक बेटो मेरो। फिर माँ की लीला परम्पारी राय की, बेटा दिया 3 बेटी दी 1। अच्छा। कितने हो गए? 4। बड़े बड़ा यहाँ रह गया। अच्छा, बैठे रिया। और ये बुद्धगिरी जी महाराज जी 2 नंबर के। अच्छा। ये जब थे 3 साल के उस टाइम पर ये मंदिर के अंदर जाने शुरू कर दिए। 15 साल के जब हो गए थे जब ये सोमगढ़ दादा का चेले बन गए थे। बुद्धगिरी जी महाराज जी हाँ बन का ये भाणी। राम राम दादी जी। हाँ राम राम बेटा, राम राम। तो जद से मान लो की थारा आपना तो अब तो सहका महाराज जी वहाँ मिलिया करता के थे पहले मिलता भाई। अच्छा, जना कहें का कि हाँ ये के कुछ बताता मान लो घर गृहस्थी तो छोटी दी है पहले हम मिलते और आन तो गा तो आज ये कर लिया बात करतो भाई। अच्छा, बात करता। हां, कथा कथा सुनाऊं तो मेरे दादी देव थरी डाल दिन सुनाऊं लाग गया। हाँ। जो सारा चैत सुनाई सारा बसा सुनाई पण भाई जद में टब्बर हा तो खेलन चल जाता। अच्छा। और मेरे दादी घरा को नहीं रहता पण रहता रहा माता मई। तो ये तरीका मान लो कहानी है बाया की रेड़ी है। बिल्कुल जी, अभी आपको मतलब ये समझ में आ गया है। और आज ये मरने के बाद भी अमर है और आपके सामने ये सबूत है जो कि 36 गांवों के लोग पूछते हैं। हमारा एक ही गांव नहीं है वो, अभी देखना अभी शाम को 5 बजे तक यहाँ ऐसा ही मेला चलता रहेगा और प्रसाद लोग श्रद्धा से लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी फायदा यह है कि स्पेशली
जो बच्चे नौकरी के लिए या अपनी अरदास लेकर कोई आते हैं वो अरदास पूरी होती है और वो सभी अपनी महीने की पहली तनख्वाह यहाँ पर देते हैं, उनकी बदौलत हम आज ये खड़ा कर पाए हैं। मतलब है भाई जो भी कोई अरदास मांगे अपनी प्रार्थना करे तो वह पूर्ण हो रही है साहब हमारे यहाँ पर। तो हम आपसे ये भी बोल सकते हैं कि आप यहाँ से कुछ अरदास करके जाइए और आपकी पूरी होती है, फिर हमें बताइए कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ। तो आज जो निशान चढ़ाया गया है अभी के बारे में भी बताओ थोड़ा। ये निशान है हमारे जब जिनके उनकी जन्मस्थली थी वहाँ पर हमारे पितृजी का स्थान है, पितृजी के मंदिर से हम ये निशान लेकर आते हैं, जहाँ से 3 ध्वजा लेकर चलते हैं। एक बालाजी महाराज का मंदिर है आपके सामने उधर, ये बाबा जी का है और एक गुगा मेड़ी है, तो हम तीनों के ध्वज लेकर आते हैं और पूरा गांव, पूरे आसपास के लोग, पूरे बच्चे बूढ़े सब नाचते गाते यहाँ तक आते हैं और यहाँ पर आकर हम ध्वजा चढ़ाने के बाद में सुबह आए हुए भक्तजनों को यहाँ प्रसाद देते हैं और शाम तक प्रसाद वितरण चलता है। कई सालों चल रहे हैं यह परंपरा? ये आज 8वीं साल है, हमने 2014-15 फरवरी को ये मूर्ति की स्थापना की थी, आज 23 हो गई, टोटल 8वीं साल है। शुरू में हमने मतलब छोटा सा शुरू किया था, उसमें यहाँ पर 7 पेड़ी थी। अच्छा। इस मंदिर को मूर्ति रखी उसमें फिर 7 पेड़ियाँ चढ़ना पड़ता था, आज वो पेड़ियाँ सब गायब हो गई हैं, धीरे धीरे सब मतलब प्रोग्रेस होता गया। पीछे भी देखोगे मकान बन गए, ये शेड बन गया, इसके साथ में ये मंदिर का आगे दीवार बन गया, मतलब बढ़ता जा रहा है और अगली साल इससे और बढ़ेगा, इसलिए हमने मतलब दिल खोल के कर दिया है। और बाबा का ये आशीर्वाद है कि बेटा जो यहाँ पर करते हो दिल खोल के करना, कोई भी मेरा यहाँ पर बना हुआ प्रसाद खत्म नहीं होगा। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। सब पहले तो मैं भवो उबास के सगले गाँव का ने और अग्रण्या ने धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक शानदार आयोजन वो 8वीं बार गांव का कर रहे हैं, बाकी 60 ग्रांगे गांव में इतो संपत्त शायद ही थाना कटे देखने मिले को। जब गांव की कोई बात आवे, चाहे वो खेल की आवे, चाहे वो मंदिर की आवे, या गांव की कोई भी सार्वजनिक कोई भी बात हो, तो गांव का सगड़ा एक जा जम पर त्यार मिले। और बुधगर जी महाराज तो ई एरिया में जो कि हमारा 18,000 की आबादी है भी कमा प्रसिद्ध है, और बाकी गोजी में प्रसाद कदे ही को निमड़ो, जब चालता तो प्रसाद गाल की चालता, चाहे एक जनों ले चाहे 1,000 जना ले, बीगो जी बांटे खत्म को नहीं हुए। मैं तो यही सुनता आ रहा हूँ, और राय माता के जका भी लोग आवे, आज भी जका आस्था में आवे, वे बुधगर जी की आस्था पहले मान के आवे के ये मंदिर ने कोई चमकान नाल हो तो वो बुधगर जी हो। बहुत ही ऐतिहासिक मेलो भरे तो भी मेले ने बराणो और भी माता ने पूजाने को काम भी बुधगर जी को बहुत ही तकड़ो काम हो, तो आज बे जहाँ माता ने पूजाई बया सारे भामू का बास का लोग बार बार का गाँव का लोग मिल की आज बुधगर जी ने पूजाना वो काम है, वो थे थारे सामने आँखें आँख सामने ढोल नगाड़ा के सागे निशान चढ़ाणो, और आज एक अपनी जी की धर्म जी की संस्कृति है पुरानी भी ने जिंदा रखने को लोग काम कर रहे हैं, तो सारा लोग धन्यवाद का पात्र है। देखिए कोई कन टाइम को नहीं, फिर भी भगवान के लिए, और मतलब रात न थे अगर आता तो बहुत ही शानदार जागरण, और देखता ना हटे तो रिजाई ले लेगी, और लोग यहाँ बैठे आज यहाँ को कीमती भजन सुनने के लिए, तो बहुत ही सारा लोग भजन सुने और गांव की एकता है बिना मैं नमन करूं और प्रणाम करूं आ गांव की एकता के कोई नजर नहीं लगे, और भगवान यही बनाई रखे दिन दोगुणों रात चौगुणों बुधगर जी को मेलो भरतो रहे। और राम राम साहब सभी जलकर झूझने के दर्शका ने, मैं यहाँ एक शिक्षक हूँ, सुबह शाम बाबा की भक्ति करूँ। युवा पीढ़ी और शिक्षित पीढ़ी अंधविश्वास इन चीज़ों को मानती है, लेकिन यहाँ वो पीढ़ी जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि बाबा का आशीर्वाद उन लोगों को मिला है सबसे ज़्यादा, यानी जो सरकारी सेवा में चयन बाबा के आशीर्वाद से हर साल 10-15-20 तक भी पहुंच जाते हैं, इसलिए उन लोगों का की आस्था इस स्थान पर, इस धाम जो बाबा बुधगिरि जी महाराज का है उससे बनी हुई है। बाबा बुधगिरि जी महाराज के बारे में आपको पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि प्रतिवर्ष 14 फरवरी को जागरण होता है और 15 फरवरी को बाबा का विशाल भंडारा होता है। भंडारे के अंदर दाल चूरमे का जो प्रसाद बनाया जाता है सभी भक्तों को खिलाया जाता है, और उस प्रसाद की जो महिमा है वो बहुत ही महान महिमा बताई गई है कि प्रसाद को ग्रहण करने से ही बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ आने वाला भक्त प्रसाद लेके जाएगा यहाँ पंडाल में बैठ करके दाल और चूरमे का, तो इस दाल और चूरमे के प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है इस स्थान पर। बाकी बाबा के बारे में जो चमत्कार हैं वो आपको बताए भी गए हैं कि राय माता के परम तपस्वी संत रहे हैं, धूणे पर रह करके उन्होंने तपस्या की थी, यानी गर्मी सर्दी के अंदर वो तपते धूणे के पास ही सोते थे और वहीं पर रहते थे। तो इनकी गहन तपस्या और बहुत सारे चमत्कार बाबा के आसपास देखने को मिले हैं। लंपी और कोरोना जो महामारी आई थी, तो लंपी जो बीमारी आई थी उसके यहाँ से तांती और जो डोरे आसपास के लोग बनाकर ले गए थे,
यानी ये चमत्कार देखने को मिला कि यहाँ का जो पशुधन नाम मात्र का नुकसान हुआ था, हमारे गांव में केवल मतलब नाम मात्र 2-3 गाय ही मतलब डेथ हुई थी। जो भक्त भी हैं वो भी दादा यानी बाबा की जो तांती और ये भावभूति लगाने से मतलब क्या है, उनको मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ जी, राम राम, राम राम जी। शोक लाग रहे हो? बहुत बढ़िया लाग रहे है। मंदिर में कितनी सालों थे यहाँ लाग रहे हो? मंदिर 8-9 साल ही अभी कंटिन्यू चालू ही है। तो कोई भी मन्नत मांगो तो वो पूरी पूरी? हाँ पूरी हो है। ये मन में कठे ना कड़े हुए कि चलो कि भाई आ अपने समस्या है तो फिर भी समस्या का हल हुआ है। आज काफी लोग इन चीजा ने अंधविश्वास माननी। देखो आप क्या आस्था है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, मेहमाना है इन्हें। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो और कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट करके जरूर बताओ। जय हिंद, जय राजस्थान।